ये देखिए दोस्तों, आज आपको ये पहचानना होगा कि ये कौन सा फल है। मतलब ये फल का अंदर का जो उसका गूदा होता है वही है। आप लोग इसको पहचान करके एक बार बताइएगा कमेंट करके। हाय गाइस, सबको मेरे तरफ से माँ लक्ष्मी ईटिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं आज और एक नई फूड लेकर के आया हूँ, जिसमें बना है ये आप पहचान करके बताएंगे। आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा लास्ट में, अगर जो पहचान पाएंगे भाई, जो भाई लोग पहचान पाएंगे वो लोग कृपया कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये किस चीज़ का ये है फल है, ये आज खाने वाले हैं। आप बताइएगा, ये मतलब लास्ट में आपको बताऊंगा, इसका फल भी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से है इसका फल। आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन अभी ये बना बनाया हुआ है, तो एक बार अगर आप पहचान पाते हैं तो आप पहचान करके बताइएगा, और अगर नहीं पहचान पाएंगे तो आप, जब आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं, तो आप जरूर पहचान लेंगे। खाना शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ये इसमें दोस्तों बहुत विटामिन है, ये प्राकृतिक का है, ये इसमें किसी तरह की रासायनिक खाद वाद नहीं लगता है। तो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि इसमें पोषक तत्व अधिक होता है, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। अधिकतर इसका मतलब सेवन बहुत से जगह पर किया जाता है, जैसे उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे एमपी, बहुत से जगह पे ये मतलब खाए जाते हैं, आप जरूर पहचानिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह नींबू है, ये इसके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों थोड़ी सी इसी में चावल खा लेते हैं। ये खाने के बाद में पेट पूरा भर जाता है, चावल खाने का दिल नहीं करता है, लेकिन जब ले लिया हूँ साथ में रखा हूँ मेल में तो थोड़ी सी तो खाना ही पड़ेगा, तो चलिए खा लेते हैं। ये खाने के बाद में पता था हमको कि ये खाना खिलाता नहीं है, लेकिन रख दिया हूँ मेल में तो खाना तो पड़ेगा ही दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कटहल है। जब बढ़ जाता है तो इसका जो अंदर में गूदा होता है, बीज के ऊपर में छिलका होता है, बस वही खाते हैं। अगर आप लोग भी खाए होंगे जब बढ़ जाती है उस टाइम का, तो एक बार बताइएगा, क्योंकि ये छोटे टाइम में अधिक खाया जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो पक जाता है तो लोग खाते हैं, लेकिन जब ये पकने से पहले ये तैयार हो जाता है तब भी ये चीज़ खाया जाता है हम लोग के यहाँ।